as an extension of this, what a beautiful थिंग यू आर, आई मीन व्हाट यू आर टेलिंग एवरी डे. ये सारे वीडियोस को हम सबको इसलिए देखना चाहिए कि आपके स्टेचर का जब टैरो रीडर मैम अपनी यात्रा बताता है ना, वो कभी कोई शेयर नहीं करता, और इसमें जूझते ही रह जाएंगे ये क्वेश्चंस. और पहले तो पारंगत ही नहीं हो पाते हम, लेकिन माना हो भी जाएंगे तो कब क्या लेना है ये आप हर बार बता रही हैं, और हम लोग बार बार पूछते हैं. एवरी टाइम इट सिंक्स इन टू माई दिस थिंग, बिकॉज मैं एग्जैक्टली ये फील करती जा रही हूँ. जैसे ईशा जी ने भी कहा, उसका सबसे पहला, और ये आई डोंट नो दीपिका जी, जस्ट माय कन्फेशन, आई एम नॉट मैडम से बड़ा कोई टीचर नहीं है, ये मेरी यात्रा मैं बता रही हूँ. बिकॉज आपके क्या क्वेश्चन थे मुझे नहीं मालूम, बट हाँ मैं मेरे फादर को देखती हूँ मैम, यू नो ना कितनी मैं उनसे मुतासिर हूँ, लेकिन वो लॉजिक में फंसे रहते हैं और इतनी एंग्जाइटी करते हैं कि कई बार मुझे लगता है माय गॉड हाउ मैं अगर उनको कन्वर्ट भी करूँ ना, मज़े ही 87 इयर्स, ही कैन नॉट हैव दैट सरेंडर. तो नो टू पीपल हैव दैट काइंड ऑफ, ये अब मैं बिल्कुल मीरा बाई की तरह लाल भुजक्कड़ सरेंडर में, आप बिलीव नहीं करोगे कि मैं लॉजिकल बंदी हूँ, और मेरे को अगर कुछ होता हो जाएगा ठीक नाउ. अब उसका मैंने परीक्षण परीक्षण क्या करूं, मेरे पास तो नो चॉइस थी लाइफ में. उसको जब मैंने देखा ना मैम, तो सब चीजें अलग हो जाती हैं. ये लॉजिक में और बड़ी बड़ी डेल कार्नेगी में और एकार्ट टोल में कुछ नहीं रखा, मैंने तो प्रमाण ना ढूंढा ही नहीं, लाइफ भी प्रमाण थी मेरी, जैसे ईशा जी ने भी देखा होगा. एवरी टाइम दैट डिवाइन एनर्जी गेव मी दैट ट्रीटमेंट एंड रेमेडी, जब बाद में, अब मैं कल पढ़ रही थी शत ईशा जी शतविषा नक्षत्र जो मेरा लग्न का है, अब वो जो मेरी ये पागलपन है जुनून पढ़ने का मुझे समझ आ गया. ओहो अच्छा, वो तो मुझे दिखता कोई नहीं, लेकिन उसकी रेमेडी, और वो जो मेरे एस्ट्रोलॉजर है ना, वो बहुत ज्यादा रेमेडी प्रैक्टिकल देते हैं, फिर भी कहते हैं आप शिव जी की स्तुति करें और रुद्राष्टकम करें. अब कैन यू बिलीव मैम, उसको मैं 7-8 साल से ऐसे ही करती हूँ. तो ये जो बात है ना, ये मतलब जो मैंने उसका भगवान का, इससे बड़ा क्या ब्लेसिंग होगी जब आप सरेंडर कर दीजिए ना, वो आपके सामने, जैसे आपने कहा ना, वो कार्ड भी दे देगा, वो आपको गोली दे देगा उस दिन के खाने की. ये मेरे से मेरा कन्फेशन है, इतना ज्यादा मैं इसी पे चलती हूँ. ऑफ कोर्स आई डोंट डू इट इन माय लॉजिकल फील्ड की मैं दवाइयां, तो मुझे पता है कि मुझे बेहोश करने के लिए क्या करना है, वो मेरा लॉजिक है. लेकिन उसमें भी मैडम जब क्राइसिस होती है ना, तो मैंने अपने आप को सच में, आई एम नॉट बोस्टिंग, आई हैव सीन माय टीचर्स, जो इतने एंग्जाइटी हो जाती है ना, बिकॉज एनेस्थीसिया इज अ वेरी ट्रिकी ब्रांच. अब उसे कोई फायदा नहीं होता, और उसको मैं वो नहीं लॉजिक से नहीं गवर्न करी, अब वो मैं, क्योंकि मेरा टोटल स्वभाव ही लेट गो और थोड़ा सरेंडर का है ना, इतने अमेजिंग कई बार पेशेंट जिसको मैं सोचती हूँ अब तो ये गया, अब नहीं है, वो ऐसे वापस आ जाता है ना, एंड मैं चुपचाप से कहती हूँ तुम ग्रेट हो. और मैं सच में कैसे कहूँ इस बात को कि पता नहीं मेरा कुछ भी लेवल नहीं, पर मेरे सरेंडर ने मुझे शायद जीवित रखा है, और बहुत प्लेजेंटली रखा है. तो ये लाइफ की जो सिचुएशंस है ना, भेजूंगी मैं अगर आपको पर्सनली भेजूंगी, दैट वन ऑफ द, कोई मुझे तो मैं मैडम देखती नहीं टीवी, एक को जिग्ना करके हैं, और उनकी कैस हमेशा ट्रांसफॉर्मेशन जो है एस्ट्रोलॉजी में, यूजुअली जब एक बहुत जबरदस्त सेटबैक हो तो आदमी आंसर ढूंढता है, एग्जैक्टली टैरो कार्ड से न्यूमरोलॉजी, और शुरू ऐसे ही करते हैं हम. हर एक में इतना वो है, हर एक ऐसा है ना मैम, कि दुनिया के किसी भी जने से वो रिलीफ नहीं मिल सकता जो इन इन विधाओं में है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी. और दूसरा मेरा, जैसे दीपिका जी पूछ चुकी थी क्वेश्चन, जैसा कई बार मैम कहते हैं ना कि जब आप खुद परेशान हो तो आप दूसरे क्लाइंट के लिए तो मत ही निकालो, लेकिन अपने लिए तो मन करता है निकालने का. तो मुझे तो हर टाइम पे मैडम पहले ये लगता है आई मे बी वेरी रॉन्ग, क्योंकि मैं परफेक्शनिस्ट हूँ, इसलिए शायद कभी बिगड़ हुई कि नहीं मालूम नहीं, लेकिन पहले मुझे लगता है, पहले मुझे मेरे ऊपर विश्वास हो जाए तो मैं दूसरे पे करूँ, मतलब मेरे लिए कार्ड जिस दिन, और मैं जब अपने आप को पास करूंगी ना तब मैं करूंगी वो. तो ये जिसको कहते हैं ना संशय आत्मा विनश्यति, संशय तो मैं पता नहीं, मुझे मैडम स्वतः ही नहीं होता, तो अब ये कहना नहीं है मेरा, मेरा कोई मतलब, मैं ये सर्मनाइज नहीं कर रही, मैं ये मेरी विधि बता रही हूँ, पता नहीं कब कैसे शायद मेरे में था वो बीज. और एक चीज और मैम, जो कविता वाली बात बोली ना, पता नहीं मेरी लेवल भी नहीं है, लेकिन मैंने हर बार जब लिख दी ना, वो मेरा चैप्टर पलट गया, और वो मेरा सजेशन भी आज भी मैं वो गूगल डॉक पे रखती हूँ और देख लेती हूँ, ओ लास्ट के स्टेंजा में वो मेरा सजेशन है मुझको कि ओ उठो देखो वो है, वो उसका हाथ थमा दो, यू नो दैट इज अ सूत्र फॉर मी.
एंड कई बार फिर उन मोमेंट्स में उतने डीप में कभी भी फिर भी नहीं जाती, मतलब जो उस दिन लिखी थी जिससे जूझ के, वो तो मेरा चैप्टर ओवर हो जाता है। आई एम ऑलमोस्ट हील्ड 25%, अगर किसी लिए फिर ही रिमाइंडर होगा तो मैं देखूंगी, मेरे को ओ क्या लिखा है, एंड दैट्स द ट्रीटमेंट, फीडबैक दैट इज इट। और मेरे को लगता है हम सब जो लोग यहाँ बैठे हैं ना मैम, इतनी अच्छी वाइब्रेशन, और हम जिस साइंस में घुस गए हैं ना, मैं तो मुझे लगता है कई बार मुझे एक नशा सा रहता है, दिन भर में मस्त रहती हूँ उसमें, वो क्यों के लिए, तो मेरे फादर फोन करते हैं, फिर उन्हें भी शायद लगता होगा इसको समझ नहीं आ रहा, मुझे ये हो रहा है, मुझे हो रहा है। यू विल बी सरप्राइज, इवेंट ही गॉट हिमसेल्फ चेक, एवरीथिंग इज फाइन, आई न्यू नो एज अ डॉक्टर आई वॉन्ट टू, काश की वो ट्रस्ट हो जाए ना तो वो बहुत जिंदगी आसान होती, लेकिन वो भी डेवलप हो जाती है, ऐसा मैं नहीं कह रही, सबको अपना अपना लेवल होता है, वो अपने आप परीक्षण परिमाण लेट गो कर देना चाहिए। जो मैडम कह रही हैं, इट इज मैडम आपकी, बस मैं यही कहती हूँ कि आप शेयर करती हैं हमसे, क्योंकि ये बात नहीं शेयर करता कोई, अब हमें उसको उठाना चाहिए, तो उससे हमें बहुत ड्रास्टिकली भी आप एक एक दिन में कर सकते नहीं, जब आप उसी को करते जाए ना, और अनुभव तो किटारो कार्ड तो मैं ही बता रही हूँ मैम कि मुझे लगता था कुछ नहीं है, मैं तो देखती हूँ कि कभी गलत आए ही नहीं, वो कैजुअली ले लो, कहीं भी ले लो। थैंक यू सो मच, काफी 15 मिनट 10 मिनट मैंने रिकॉर्डिंग खराब की, बट ये बहुत बड़ी चीज मेरे को लगता है कि हम लोग जब, खासकर तो मैम टैरो, क्योंकि इट्स नॉट एस्ट्रोलॉजी, इट्स नॉट मैथमेटिक्स, तो वो बहुत ज्यादा सच में, ये शब्द नहीं आता था मुझे समझ में, एनर्जीज कैच करती है, एनर्जी क्या होती है मुझे नहीं पता लगता था, अब मैं समझ पाती हूँ कि मेरे मन में क्या चल रहा है, वो कार्ड वही उछल के आएगा, वो ही एनर्जी है, बस राइट ये बहुत ही परम चीज है ये, मतलब उतनी शायद, अब उस हिसाब से तो हर साइंस की कहीं ना कहीं वो, एस्ट्रोलॉजी में भी मैंने जेम्स पहन लिए तो कोई और प्लेटफॉर्म पे कह देगा ये कुछ खास नहीं करेगा, वाकई में अब वो तो सब कुछ ऊपर वाला मुझे दे देगा, आई एम नो रिलीफ, मेरे को पता है, और आई हैव बीन रिट्रोस्पेक्टिवली वॉचिंग एंड आई एम सच में, मैं अहोभाव में हूँ अब, जैसे मैं आपको भी देख पा रही हूँ, मतलब नॉट अ वर्ड, आप अगर हुआ, आप यू आर नॉट वेल, होता है कितना सही कि छोटे छोटे मोमेंट्स आते हैं, लेकिन आई कैन सी द ब्राइटनेस, दैट्स द एबिलिटी टू ओवरकम, लाइफ इज वेरी ब्यूटिफुल, देर आर सो मेनी थिंग्स विच हैव वी हैव टू फेस, सो बस इनका जो उन्होंने डोर थमी है ना मैम, ये बहुत ही गजब है ये साइंसेस, मैं तो बार बार कहती हूँ सबको करना चाहिए, मैं तो एक लॉजिकल डॉक्टर, सक्सेसफुल डॉक्टर हूँ, कहती नहीं लेकिन सुनते हुए, सुने का नहीं ना, दुनिया नहीं सुनती, पर एटलीस्ट हम लोग जो लोग हैं वो हमें बहुत ही उससे प्रेरित हो, क्योंकि आप तो हम देख ही रहे हैं, इवन मैं आई कैन सी द ट्रांसफॉर्मेशन इन मेनी ऑफ अस, मैं हूँ, आरती जी है, मतलब आई थिंक आई कैन सी द रिलैक्सेशन, बट आई द बेस्ट पार्ट इज आई सरेंडर हर हर आई सेलिब्रेट हर सरेंडर इन यू, तो बड़े हर बार कहती है ना आपके लिए, तो मुझे अच्छा लगता है, अच्छा मैं आपसे पूछूंगी, बट देन फेथ भी होना चाहिए, चक्कर क्या है मैम बताओ सामने वाले को, फिर लॉजिक शुरू हो जाता है, आई एम हैप्पी दैट शी इज वेरी वेरी ब्यूटिफुल सोल, थैंक यू सो मच मैम, एंड सॉरी आज बड़ा सारा मैंने बोला, लेकिन ये मेरा कन्फेशन है लॉजिक और सरेंडर का, और शायद इससे कहीं रिलेटेड हो जो हम बात कर रहे हैं। नहीं मैम, सॉरी की तो बात ही नहीं, आप जो बोलते हैं ना बहुत अच्छा लगता है सुन के, और कहीं ना कहीं मतलब मॉरल सपोर्ट भी मिलता है, जैसे मैम करते वैसे आपके भी जो शब्द है ना वो एक एक वो दिल पे और दिमाग पर जाती है, औरों का तो मुझे नहीं पता बट मेरे जाते हैं, और कि जैसे लाइक सच में मेरे घर मैं में इतना ज्यादा कई बार मुझे लगता है सच एन ना आइडियलिस्ट कि मैं जीवन का एक एक क्षण बिल्कुल दिल से, हम जिसको कहते हैं ना विद 100% माइंड बॉडी एंड सोल चलता है, इसलिए मुझे कई बार निराशा होती है मेरी वर्क प्लेस में, बिकॉज पीपल थिंक ये दीवानी पागल क्या मरीज के लिए परेशान हो रही है, कंबल क्यों हटा दिया, आई मीन आई गेट वेरी इरिटेटेड कि तुम खुद को उस सिचुएशन में, मे बी शायद वो मेरी अति होगी, लेकिन मैंने कभी, मैंने अच्छा ही पाया इससे, मतलब मुझे समाओ ना, मैं कहती हूँ पहली बार मैम जब इतना कुछ हुआ, इतना कुछ क्या मतलब फाइनेंशियल लॉस हुआ ऐसा भी नहीं, लेकिन फिर अब मुझे पहली बार अपने पे, मेरे को ना कभी ये भी सेटिस्फेक्शन, मुझे अभी ये कर, अब मुझे अपने पे मान और सेटिस्फेक्शन होने लगा है, ये बड़ी खूबसूरत चीज है कि दुनिया कहे तो कहे, मुझे मालूम है मैं मुझे घमंड नहीं है, लेकिन मैं ठीक, ये बस मुझे अच्छा है, क्योंकि यही कंफर्ट तो मैं ढूंढती रही थी, तो जब मुझे ही पता ठीक है एंड हाउ टू लेट गो, दिस इज, इससे ऊपर तो कुछ हो ही नहीं सकता, बिकॉज हम उसी के लिए तो परेशान रहते हैं, कभी हम पेरेंट्स को फोन करते हैं बताओ ऐसा हो गया घर में, अब क्या करना चाहिए, उसने ये कह दिया, वो लेट गो करना आ गया विद हैप्पीनेस आ गया, और विद, और साथ में थोड़ा और बढ़ जाना चाहिए आगे, कि
हॉन्ट भी नहीं करना चाहिए कि अब ये हो गया ना तो वो क्षण पास हो गया, उसमें शायद मुझे अभी कमी है, वो और हो जाएगी। मतलब ब्रेन तो मतलब एक तरीका होता है ना, आपको पास के इवेंट भूलते कम है, लेकिन अब धीमे धीमे वो मुझे सिर्फ एक ऑब्जेक्टिविटी से याद आते, अच्छा ऐसा हुआ था, जो हम कहते हैं दृष्टा भाव, वो हो जाए तो बहुत सुंदर है। और वही ठीक है, देखो क्योंकि वो मेरी मेमोरी है ऐसी, लेकिन मैंने नर्चर नहीं किया उसे। बट सर्टेनली हाउ मच आई हैव बीन ब्लेस्ड विद दीज साइंसेस, ये तो कभी मैं आत्मकथा लिखूंगी तो शायद लिखूं, कुछ कोई पढ़े नहीं पढ़े, मेरे लिए इट हैज बीन अ ट्रांसफॉर्मेशन फॉर मी अनडाउट। एज आई वॉज गुड ओके, बट आई हैव रियली ब्लॉसम्ड। ऑन वन एंड आई वॉज लूजिंग फाइनेंशियली, आई हैव बीन टेलिंग यू मैम, एंड आई वॉज ब्लॉसमिंग इन टू दिस वर्ल्ड विद अटमोस्ट सेटिस्फेक्शन। सो जस्ट छोड़ दो, बस मैंने छोड़ दिया बस ईश्वर पे। और शायद इसके लिए बचपन से मेरी म्यूजिक टीचर और ये कैसे कैसे अच्छे लोग मिले मैम, मुझे लगता है वो गॉड इज सो काइंड, जो हम कहते हैं ना, वो पहले से ही करके रखता है प्लांट। तुम्हें वो टीचर मिलेगी, फिर वो तुम्हें वो बताएगा, तुम्हें वो मिलेगा, फिर वो तुम्हें एक बीज डाल देगा, अब वो पड़ा रहेगा, जिस दिन तुम्हें जरूरत होगी तो काम आ जाएगा। आई हैव एक्सपीरियंस दैट, एंड दैट इज इन इटसेल्फ अ ग्रेटिट्यूड। अब मुझे ग्रेटिट्यूड, मैं तो बहुत छोटा वर्ड कह रही हूँ, जो जो लोगों ने मेरे को ऐसे ऐसे प्यारे थॉट दिए, ग्रेटिट्यूड तो पता नहीं शब्द ही छोटा है, क्या कहूं उन्हें, वो तो शायद इस जीवन में अभी मुझे मिलेंगे भी नहीं। चेतना जो जगाए और चेतना जो जग जाए, बस वो बहुत अब बहुत वो उसी की कृपा से होती है, ऊपर वाले की, और वो सरेंडर से होती है। आई मीन आई आई से ब्लेस्ड एम आई दैट आई कुड बी इन टू दिस सरेंडर विद हिज ग्रेस, मैं बस इतना कह सकती हूँ। बाकी तो मैं अभी बहुत ही कुछ मतलब ज्यादा कुछ कहा नहीं है ऐसे, मतलब अप्स एंड डाउन अभी बहुत देखे हैं, लेकिन मेरे को अब स्टेबिलिटी आ गई, यही बहुत है। थैंक यू सो मच मैम, एंड थैंक यू एवरीबडी।